Hello friends, today I want to teach you about septoplasty. Septoplasty में septo और plasty दो वर्ड से बना हुआ है. Septo मतलब हुआ septum और plasty मतलब हुआ surgery. Septum का surgery. तो इसका indication क्या है, कब कब करते हैं septum का surgery? जब उससे nasal septum deviated हो गया, जिसको बोलते हैं deviated nasal septum. Nasal septum इससे करके deviate हो गया इससे, या फिर ऐसे ऐसे किसी तरीके से जिसके कारण वो नजल ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, या फिर हो सकता है कि नजल सेप्टम इतना डेविएट हो कि वो साइनसाइटिस करा रहा है, नजल सेप्टम इतना डेविएट हो कि वो जो है हेडेक करा रहा है, वो जो है लेटरल वाल ऑफ नजल वाल के कांटेक्ट में आके हेडेक कराने लगता है, या फिर कोई कॉस्मेटिक रीजन है, कोई ज़्यादा जो है नोज जो है टिल्टेड है तो कॉस्मेटिक रीजन से कराते हैं. तो जो है ये सब इसका इंडिकेशन है. और काउंटर इंडिकेशन क्या है कि नजल सेप्टम है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन वो हो जाए ऑपरेशन के दौरान, कोई इन्फेक्शन एक्यूट इन्फेक्शन या डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है. तो इन्फेक्शन हुआ, डायबिटीज हुआ, या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसे कि हाइपरटेंशन है, या फिर ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, डायस्थेसिस मतलब ब्लीडिंग डिजॉर्डर जैसे वन ब्लीडिंग फैक्टर का डिफिशियंसी है, या फिर कोई भी क्लोटिंग फैक्टर का डिफिशियंसी है, तो ये सब नहीं करते क्योंकि ये इस सर्जरी में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है. इसके बाद एनेस्थेसिया, तो ये लोकल में भी होता है, जनरल में भी होता है, ठीक है. और जो है इसका टेक्निक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मेन है कि ये सेप्टोप्लास्टी इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है, SMR और सेप्टोप्लास्टी, डायरेक्ट सेप्टोप्लास्टी या एक SMR. SMR है कि सब म्यूकोसल रिसेक्शन, और सेप्टोप्लास्टी जो है वो भी सेप्टोप्लास्टी मतलब डायरेक्ट सेप्टोप्लास्टी ये होता है ओरिजिनली. तो ये दोनों देखेंगे, ठीक. तो फिर सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं, सेप्टोप्लास्टी और सब म्यूकोसल रिसेक्शन. एक्चुअली ये देखिए, ये जैसे कि डेविएटेड नेजल सेप्टम है, ठीक है, ऐसे टिल्टेड टेरम. तो जो है सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जैसे कि ये सेप्टम है, नजल सेप्टम है, तो वो दोनों तरफ से म्यूकोसा से जो है सराउंडेड रहता है. इसका ये बोनी पार्ट होता है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जैसा कि हम जानते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, तीन होता है सेप्टम का पार्ट, और दोनों तरफ से म्यूकोसा से. तो SMR में क्या करते हैं कि दोनों तरफ से म्यूकोसा को कट करते हैं, इधर से कट किए, इधर से कट किए, कट करके फ्लैप को रेज कर दिए. इधर ये बोन हुआ, मेम्ब्रेन हुआ, कार्टिलेज पार्ट हुआ, फ्लैप रेज हो गया, और जो भी इसका अंदर से डेविएटेड पार्ट था ये भी डेविएटेड, ये सीधा दिखा डेविएटेड, तो इसको पूरा यहां से काट फाट देते हैं, पूरा काट के हटा दिए, ठीक है. बोनी पार्ट को भी हटा दिए जो अगर डेविएटेड है, कार्टिलेज को भी पूरा हटा दिए, हटा के फिर से इसको फ्लैप को ऐसे करके सिल देंगे. ये हुआ सब म्यूकोसल रिसेक्शन. जबकि सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं कि म्यूकोसा का जो है बस एक तरफ से फ्लैप को रेज करेंगे, इधर से काटेंगे और दूसरे तरफ से म्यूकोसा इंटैक्ट रहेगा. इधर से बोन, ये ऐसे नजल सेप्टम का बोन ही पार्ट हो गया, मेम्ब्रेनस कार्टिलेजिनस पार्ट, ये मान लीजिए डेविएटेड है, तो इसमें पहले तो एक ही तरफ से रेज करेंगे सेप्टोप्लास्टी में, और यहाँ पे प्लास्टिक करेंगे, मतलब कि सर्जरी जो है इसमें पूरा एकदम एक्सटेंसिव नहीं होगा, जैसे पूरा काट के हटा दिया एक्सटेंसिव नहीं होगा, बस डिफॉर्म पार्ट को ठीक कर देंगे, थोड़ा सा जो डिफॉर्म है इसको हल्का सा हटा देंगे, बाकी इसको जो कंप्रेस करके डिफॉर्म पार्ट को ठीक कर देंगे, ठीक है. मिनिमल एक्सीजन, दिस टर्म इज यूज्ड, मिनिमल एक्सीजन इज डन, मिनिमल एक्सीजन इज डन. इसमें एक्सटेंसिव एक्सीजन होता है, एक्सटेंसिव डिसेक्शन, एक्सटेंसिव मिनिमल एक्सीजन होता है, बस डिफॉर्म पार्ट को करेक्ट कर देना है और मिनिमल एक्सीजन कराना है और फिर से इसको सीधे रेसुचर कर देना है. द सेप्टोप्लास्टी इज मोर बेटर, इट हैज लेस कॉम्प्लिकेशन बिकॉज लेस इंसीजन, लेस ब्लीडिंग, ओके, एंड इट कैन बी डन इवन इन चिल्ड्रेन. इट इज नॉट डन इन चिल्ड्रेन लेस देन 17 ईयर्स. वाइल सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 17 ईयर्स क्या, आजकल के अगर 20 साल का भी आदमी है तो हम SMR प्रीफर नहीं करते हैं, सेप्टोप्लास्टी प्रीफर करते हैं, क्योंकि
लेस कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें है कि अगर फिर से ऑपरेशन करना हो तो भी हम कर सकते हैं। इसमें है कि एक बार अगर कर दिया ऑपरेशन तो फिर दोबारा ऑपरेशन करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। तो इट इज सेप्टोप्लास्टी इज री ऑपरेटिव विथ वेरी लेस कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ मिनिमल एक्सेशन। थैंक यू।